This cloud server conference of will your now data. be recorded. But server connected in different VPC, multi zone and different reasons. तो यहां पर हम इस बार क्या ले रहे हैं, डिफरेंट रीजन, यानी कि इस वाली लैब के लिए कल वाली लैब होगी उसके आगे ही मैं एड ऑन कर रहा हूं. गॉट इन माय पॉइंट? कल हमने क्या करा था, सिंगल रीजन, यानी कि विद इन रीजन बट डिफरेंट वीपीसी. अब क्या हो रहे हैं, डिफरेंट वीपीसी भी हो रहे हैं एंड डिफरेंट ही रीजन हो रहे हैं. तो अगर हम डिफरेंट रीजन की बात करते हैं तो कंपनी का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जिस तरीके से हो रहा है कि एक रीजन में कंपनी ने दो वीपी स्पेस दिए हैं, अपने अलग अलग ब्रांचेस बना रखे हैं, पॉसिबल है. यानी कि मुंबई में चार ब्रांच हो सकती हैं, एक हो सकता है लाइक नॉर्थ के डेटा सेंटर पे और दो ब्रांचेस हो सकते हैं साउथ के डेटा सेंटर पे. तो वो कुछ इसी तरीके से है. अब वहां पर भी क्या है कि हो सकता है कि नेटवर्क अलग अलग हो, ये तो नहीं है ना कि हम सब लोगों ने जियो का ही नंबर ले रखा हो. मैंने अगर जियो का ले रखा था, हो सकता है आप लोगों ने एयरटेल का ले रखा हो. तो सर्विस प्रोवाइडर्स भी हमारा अलग अलग होता है, तो डेफिनेटली, बट सर्विस प्रोवाइडर्स आपस में कनेक्टिविटी भी तो करके रखे होंगे, तभी तो हमारी कॉल ट्रांसफर होती है. तो यहाँ पर क्या, ये हमारा पहला रीजन था. बट अब हमारा डायग्राम है मल्टी रीजन, तो इन अ मल्टी रीजन नाउ आई एम एड टू मोर रीजन. मैं यहाँ पर अब दो रीजन और एड कर रहा हूँ. नाउ आई एम एडिंग वन रीजन एंड एड वन मोर रीजन. Look like I'm add a one reason is Singapore and another reason is look like a Canada. Got it the point? Now in this reason I'm create a VPC. अब इन reasons में भी क्या होंगे, अपने VPCs होंगे. Got it my point? इन reason में भी क्या होंगे, इनके अपने खुद के VPCs होंगे. नाउ सबनेट्स होंगे इनके. और इनकी अपनी खुद की रूट टेबल्स भी होंगे. सपोज करो कि लाइक दिस बीपीसी इज लुक लाइक 30.0.0.0/24 सेम वही 256 आईपीस एंड लुक लाइक SUBNET subnet one and subnet one like developers. ये मेरी कंपनी के जो developers हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, सिंगापुर लोकेशन पर हैं. ZONE zone A हम ले लेते हैं and now 30.0.0.0/24 ही मैं दे रहा हूँ. यानी कि मेरी कंपनी ने 256 IPs ली है और वो 200 को 256 IPs किसको allocate कर दिए हैं, developers सबनेट वन को. देन एड सबनेट्स इन रूट टेबल. और सबनेट्स को कहां पर एड कर दिया है, रूट टेबल के अंदर एड कर दिया है. क्लियर द पॉइंट? Now company use a internet gateway and attach internet gateway with root table. Guys, clear hai this scenario? Anyone any question till now? Same as yahan par bhi hai, like 40.0.0.0/24 like SUBNET subnet one in monitoring. यहाँ पर क्या, मेरी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को बैठा हुआ है जो कि कनाडा लोकेशन पर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर रहा है. एंड नाउ जोन ए, जोन ए के अंदर वर्क कर रहा है. नाउ एलोकेट आईपी इज 40.0.0.0/24 और मैंने यहां पे भी क्या करा, सेम 256 आईपीस को एलोकेट कर. क्लियर द पॉइंट? एंड नाउ एड सबनेट इन अ
रूट टेबल। Add subroutine and root tables. Now, guys, suppose here this is a VPC 3 and it's a VPC 1, VPC 2, VPC 3, and VPC 4. So, guys, yahan pe total aapke paas kitne VPCs hai? Agar aap dekhen to yahan par aapke paas total 4 VPC aa gaye. Got it, everyone? Guys, clear? जिसमें से दो वीपी सेम रीजन में है और दो वीपीसी अलग अलग रीजन में। नाउ हमारा टास्क है द प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर। द सर्वर इज डिप्लॉयड इन डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट वीपीसी। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नाउ आई एम क्रिएट अ वन सर्वर फॉर दिस लोकेशन एंड सेकेंड सर्वर इन दिस लोकेशन। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दो और रीजन में एक एक वीपीसी बना रहा हूं और उसके ऊपर क्या कर रहा हूं, एक एक सर्वर क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई। अंकित, आदित्य, चंदन, राहुल। यस सर। यस सर। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल। ये ऑलरेडी मुंबई रीजन्स के सर्वर्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, चार के चार जो कल हमने बनाए थे। नाउ आई एम जस्ट गो टू सिंगापुर रीजन एंड नाउ गो टू कनाडा लोकेशन एंड क्रिएट। तो ये मेरी कौन सी सिंगापुर लोकेशन है? नाउ वन मशीन इज एग्जीक्यूट, आई एम जस्ट टर्मिनेट एंड सिंगापुर लोकेशन में आके लाइक गाइस आई एम जस्ट क्रिएट अ वीपीसी। योर वीपीसी, क्रिएट अ वीपीसी, गिव द वीपीसी नेम इज वीपीसी 3, इट्स यूज आईपी 30.0.0.0/24। क्रिएट। आफ्टर दैट क्रिएट अ सबनेट। SUBNET subnet 1 developer and in 3 zone is available in 4 zone A IP। so सारे के सारे IPs मैं allocate कर रहा हूँ, यानी कि 256 IP लिया, 256 IP मैंने किसको दे दिए, developer को दे दिए, यानी कि मेरा next subnet बन ही नहीं सकता क्योंकि जितनी IP ली मैंने उतनी उसको दे दी, तो मैं दूसरे के लिए दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बचा ही नहीं है। Now create a subnet, then go to the root table, create root tables, vpc3-rt and select vpc3, create root tables and then add subnet. Then now I'm create an internet gateway, create internet gateway, vpc3-ig, create internet gateway, actions attached to VPC, then go to the root tables and attach IG internet gateway with this root table. Clear itna? Now we are create a virtual machine. और मैं यहाँ पे अभी एक virtual machine create कर रहा हूँ। और सिंगापुर location में हूँ guys। VPC3-developer-vm Windows
T2 dot micro. Now we have created a new key pair like VPC 3 hyphen key. Create a PAM key. क्योंकि मेरे सिंगापुर लोकेशन में क्रिएट नहीं हो रखे तो इसलिए मैंने नई की पेयर क्रिएट करी है और मुंबई में ऑलरेडी क्रिएट थी तो वहां पर एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करी थी. नेटवर्क नाउ एडिट एंड सिलेक्ट बीपीसी थ्री. अब आप देखिए यहाँ पर एक ही मैंने सिलेक्ट करा है तो एक ही आ रहा है. यहाँ पर 251 आईपी आ रहे हैं तो 256 की जगह 251. कट इट. यानी कि 5 आईपी क्या हो गए, रिजर्व हो गए, जो मैंने कल आपको बताया था. Create a security group, so VPC3-SG and give the full access and launch it. So again, यहाँ पर मैंने public IP enable नहीं करा, तो इस machine पे मेरा public IP नहीं आया होगा, guys. Got it. So now click on Elastic IPs. Allocate Elastic IP. देखिए ये Elastic IP की खासियत पता है क्या? अगर आपने जो ऑटो जनरेट Elastic IP होता है, आपने अपनी मशीन को स्टॉप करके दोबारा से ऑन करा तो वो IP चेंज हो जाएगा. ये IP चेंज नहीं होगा. वो पब्लिक IP तो है बट डायनामिक पब्लिक IP है. और ये भी पब्लिक IP है बट ये क्या, स्टैटिक पब्लिक IP है. यानी कि ये IP चेंज नहीं होगा, इसलिए इस वाले आईपी के चार्जेस लगते हैं. एक्शन एसोसिएट इंस्टेंसेस एंड नाउ एसोसिएट. नाउ गाइस सेम एज आई एम जस्ट गो टू अनदर रीजन. तो यहां पर ये मैं हूं मुंबई रीजन. मैं हमारी मुंबई रीजन में हमारी ये चार मशीन बनी हुई है. यस एंड नो कल वाली है. और ये हमारा सिंगापुर रीजन है. नाउ इन सिंगापुर रीजन में भी हमारी एक डेवलपर मशीन एग्जीक्यूट हो चुकी है. यस एंड नो. नाउ आई एम जस्ट कम टू कनाडा. तो कनाडा लोकेशन पे आया. नाउ फर्स्ट आई एम क्रिएट अ नेटवर्क. कनाडा का भी हमें अपना कस्टम नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अब गाइस देखिए यहाँ पे अगर आपको एक चीज और बता देता हूं मैं कि अगर आप कोई भी वीपीसी क्रिएट करते हैं, करेक्ट, तो हर वीपीसी की एक आईडी जनरेट होती है 40.0.0.0/24. अगर मैंने कोई भी वीपीसी यहां पर क्रिएट करा तो उस पर्टिकुलर वीपीसी की एक वीपीसी आईडी जनरेट. आज जो हम लैब यूज करने वाले हैं उसमें भी वीपीसी की आईडी यूज करें. तो डिफरेंट रीजन के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होंगी, वीपीसी आईडी की नीड पड़ेगी. दूसरा, अगर आप कभी भी वीपीसी बनाते हैं, अगर आप ये वीपीसी एंड मोर पे क्लिक करते हैं तो आगे तक का ऑप्शन दे देते हैं कि आगे क्या बनेगा, इससे आगे सबनेट बनाने आपको. गॉट इट. ये पूरा बता रहा है सबनेट से आगे क्या करना है, रूट टेबल क्रिएट करनी है. रूट टेबल से आगे क्या करना है, इंटरनेट गेटवे नेटवर्क कनेक्शन आपको देना है. गॉट इट द पॉइंट. तो ये वो ग्राफ बता रहा है पूरी कि किस तरीके से कनेक्टिविटी होते हुए जा रही है आपकी. तो इसलिए मैं यहां पर ये वाला ऑप्शन यूज ना करके मैं क्या कर रहा हूं, वीपीसी ओनली वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूं. नाउ आई एम जस्ट कम टू योर वीपीसी. तो यहां पर हम अपना वीपीसी 4 बना चुके हैं. नाउ क्लिक ऑन सबनेट एंड क्रिएट अ सबनेट. And this SUB subnet 1 monitoring zone A 40.0.0/24. यानी कि all 256 IPs मैंने कहाँ दे दी, monitoring department को allocate. अब depends है कि अगर आपकी company ने कुछ बोल रखा है कि नहीं Canada में भी हमें multiple branches चाहिए, ठीक है ना. तो अभी कल और आएगा नए नए सिनेरियो के थ्रू. मैं आपको वीपीसी फिनिश कर रहा हूं. सो सबनेट 1 मॉनिटरिंग हो गया. देन क्रिएट ऑन रूट टेबल्स
वीपीसी 4-IG, गाइस एक ही चीज मैनी टाइम्स रिपीट हो रही है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। पांचवी छठी बार में वीपीसी क्रिएट कर रहा हूं, तो आप स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप थ्री में क्या करना है, तो आप खुद से वो नोट डाउन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन आपसे सिनेरियो बेस्ड ही पूछे जाएंगे कि ये हमें करना है तो क्या क्या करना होगा, वो आपको खुद से बताना होगा। नाउ द इंटरनेट गेटवे वीपीसी 4-IG actions attached to VPC. Then route tables. And add internet gateway with root table. And now create a one EC2 instance in Canada location. VPC 4-IG. Sorry. VPC 4 monitoring -VM और गाइस 13 को मैं आपका टेस्ट लूंगा और मैं कोई भी लैब आपको करने के लिए दे सकता हूं। अब वो चाहे आप यहाँ पे आए या ऑनलाइन आए, जैसे मर्जी करें, 13 को क्लास नहीं होगी, आपका टेस्ट होना है, पहले ही बता दिया गाइस। तो कोई भी लैब में आपको दे सकता हूं जो भी टिल 13 तक हम कवर करें। क्योंकि उसी के बेस पर ही आप अपना यहाँ पर इंटरव्यू के ग्रुप में ऐड हो पाओगे। तो लाइक वीपीसी 4-IG की पैम की क्रिएट करा है मैंने यहाँ पे भी गाइस। Now select the network VPC 4 subnet 1 और now अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ही क्या कर रहा हूँ, इनेबल कर दिया पब्लिक आईपी VPC 4-SG। Now all traffic। अब गाइस इस सिनेरियो में क्या है कि ये जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स अभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। कहां गया वो डायग्राम हमारा, ये जो मशीन्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी, क्योंकि देखिए देयर इज नो एनी कनेक्टिविटी बिटवीन वीपीसी। आप चाहते हो ये कम्युनिकेट करे, सो सिंपल सा है, मुझे इन दोनों वीपीसी के बीच में क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। नाउ इनेबल पेयरिंग, क्लियर द पॉइंट। अब यहां पर एक और कंडीशन है, ध्यान देखना इस चीज को। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इनेबल पेयरिंग, तो मैंने क्या करा, इन तीनों वीपीसी के बीच में क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। अब पेयरिंग में आप देखिए यहां पर कि आपके पास मुंबई के अंदर दो वीपीसी है, जो पेयरिंग कनेक्शन जिस रूट टेबल में आप ऐड कराओगे कम्युनिकेशन से उसी रूट टेबल से हो। अगर आपने दोनों पेयरिंग कनेक्शन को ऐड करा दिया वीपीसी 1 की रूट टेबल, तो ये सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिंगापुर और कनाडा किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, वीपीसी 1 के सर्वर्स के साथ, वीपीसी 2 के साथ नहीं करेंगे। सिंपल सा है ना, कि एक कहते ना एक सिटी के अंदर आपके दो रिलेटिव हैं,
आप जिस रिलेटिव के घर जाओगे वही आपको अटेंड करेगा, दूसरा नहीं करेगा ना, यस या नो? अगर आपको दूसरे से बात करनी है तो दूसरे के यहां भी आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिक ये आपस में दोनों कनेक्टेड हो, बट पेयरिंग में कभी भी वो एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर नहीं करेगा, वाया नहीं जाएगा। कहते ना कि सर वाया वन टू वाया टू जा सकता है ना, वीपीसी टू वन और टू तो कनेक्टेड है, यहां पर नहीं है। अगर आपको भेजना है तो आपको रूट बनाना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? अगर आप चाहते हैं कि दोनों वीपीसी वन और वीपीसी टू दोनों के साथ हो तो ये दोनों पेयरिंग कनेक्शन दोनों के रूट टेबल में क्या करने पड़ेंगे, एड करने पड़ेंगे। तो फिलहाल के सिनेरियो में हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, नाउ आई एम एडिंग दिस पेयरिंग कनेक्शन, जो ये हमने यहां पर पेयरिंग कनेक्शन एग्जीक्यूट करे हैं। ये पेयरिंग कनेक्शन जो मैं ऐड कर रहा हूं गाइस, नाउ आई एम एडिंग दिस पेयरिंग कनेक्शन। कौन सा कलर लें, ये लेते हैं। कहां ऐड करा है मैंने अभी, वीपीसी वन के साथ। गॉट माय पॉइंट? अगर आप चाहते हैं इसके साथ भी हो तो इन दोनों का कनेक्शन कहां पे ऐड करना पड़ेगा, इज इट क्लियर? बट इसके साथ साथ और क्या करना पड़ेगा पेयरिंग कनेक्शन को, उन दोनों के रूट टेबल के साथ भी होगा। आप देख सकते हैं ऊपर भी हमने करा है, ऊपर जब कल पेयरिंग करी थी दोनों के साथ करी थी, तो यहां पर भी क्या करनी है, पेयरिंग कनेक्शन जिसके साथ है सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरफ की रूट टेबल भी होंगी। यानी कि हो सकता है कि सिंगापुर में भी 10 वीपीसी बने हो और मुंबई में भी 10 वीपीसी बने हो। अब आप चाहते हो कि मुंबई का वीपीसी नंबर 5 सिंगापुर के वीपीसी नंबर 9 से कम्युनिकेट करे खाली, तो उधर पेयरिंग 5 में ऐड कर दो, इधर पेयरिंग 9 में ऐड कर दो। गॉट इन माय पॉइंट? तो यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है आपका। एवरीवन गॉट इन द पॉइंट? आदित्य, अंकित, आशीष, चंदन, राज, सत्यम, क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर वीपीसी 3 और वीपीसी 4 कॉम्युनिकेट नहीं करेंगे आप। गॉट माय पॉइंट? वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी कनेक्टेड, अगर आप करना चाहते हैं तो वीपीसी 3 और वीपीसी 4 के बीच में भी क्या करोगे, पेयरिंग करेंगे। बट कंडीशन यहां पर क्या आ रही है, कंडीशन आ रही है कि ये तीनों वीपीसी अलग अलग रीजन में है। तो जब भी अलग अलग रीजन में वीपीसी हो तो आपको वीपीसी आईडी यूज करनी। नाउ हाउ टू इनेबल पेयरिंग बिटवीन डिफरेंट रीजन वीपीसी, आई जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन वीपीसी, क्लिक ऑन वीपीसी एंड क्लिक ऑन वीपीसी। मैं तीनों कंट्रीज के वीपीसी पे आ गया। आप देख सकते हैं यहां पर ये मुंबई का आ जाएगा, यहाँ ये सिंगापुर का आ जाएगा, यहाँ ये कनाडा का। तो ये सेंट्रल कनाडा में हूं मैं। गॉट इट द पॉइंट? तो यहां पर आपके दोनों वीपीसी आ रहे हैं, वीपीसी 2। तो ये दोनों वीपीसी आपके पास आ रहे हैं, वीपीसी 4 भी आ रहे हैं, डिफॉल्ट भी आ रहे हैं, TMS, यहां पर भी इसके दोनों वीपीसी आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है, डिफॉल्ट भी आ रहा है, और ये मुंबई रीजन का है। यहां पर वो दोनों कल वाले वीपीसी 1 और 2 भी आ रहे हैं और वहां का डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अब यहां पर ऑप्शंस आ रहा है, द इनेबल पेयरिंग कनेक्शन, क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शन। आप पेयरिंग कनेक्शंस में ये तो कल वाला हमारा पेयरिंग बना ही हुआ है,
नाउ क्रिएट अ पेयरिंग कनेक्शन. अब मैं नया पेयरिंग कनेक्शन क्या करो, एस्टैब्लिश करो. नाउ एम यू एम मुंबई हाइफन वीपीसी वन हाइफन टू हाइफन एस आई एन जी ए सिंगापुर हाइफन वीपीसी थ्री. क्लियर द पॉइंट. मुंबई के वीपीसी वन से सिंगापुर के वीपीसी थ्री को कनेक्ट कर रहा हूं, यानी कि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, मुंबई का वीपीसी वन. अब मैं इसी अकाउंट से लॉगिन हूं और इसी अकाउंट से सारे हैं. हो सकता है कि कल जो मैं लैब कराऊंगा उसमें तुम्हारा वीपीसी और मेरा वीपीसी भी हो सकता है. क्या कहते हैं, एक वीपीसी भानु ने बना रखा है, एक वीपीसी चंदन ने बना रखा है और एक वीपीसी मैंने बनाया है. यानी कि अब डिफरेंट रीजन से डिफरेंट अकाउंट, वो कल करेंगे. फिलहाल इधर आ जाते हैं. सो यहां पर अब आता गाइस 10:00. तो यहां पर अभी तो अकाउंट तो सेम है बट रीजन क्या हो गया है, अनदर हो गया. अब क्या हो गया है, अदर रीजन. अदर रीजन में अब क्या है, सिंगापुर वाला है सबसे पहले. तो नाउ सिलेक्ट द रीजन और नीड है वीपीसी आईडी. और हमें किस चीज की नीड है, वीपीसी आईडी की. तो सिंगापुर लोकेशन पे जाते हैं, क्लिक ऑन वीपीसी, ये रही इसकी वीपीसी आईडी, कॉपी एंड पेस्ट, क्रिएट वीपीसी. क्लियर द पॉइंट. नाउ अब रिक्वेस्ट किसने करी थी, वीपीसी वन ने, जो कहां पर है, मुंबई में. किससे कनेक्ट होने के लिए, सिंगापुर वाले वीपीसी थ्री से. तो एक्सेप्ट कौन करेगा, तो आपको इस बार एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट कहां पर मिलेगी, पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे सिंगापुर में. यहां पे देखिए अपने आप बन के आ गया है, एक्शन में गया एक्सेप्ट रिक्वेस्ट. अब जाके ये आपका कनेक्शन क्या होगा, अभी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाए. उसके बाद क्या करना है, रूट टेबल्स में जाके एड करना है. तो नाउ आई एम जस्ट गो टू सिंगापुर रूट टेबल. यहां पर मैंने एक ही बनाई थी, वीपीसी थ्री रूट टेबल, देन रूट्स, एडिट रूट्स, एड. अब मैं यहां से कौन से रूट्स करना चाहता हूं, तो वीपीसी वन का आईपी गाइस ये है, यस और नो. और वाया किसके एक्सेस करना चाहता हूं, वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के. दिस इज माई पेयरिंग कनेक्शन एंड सेम एज मुंबई के रूट टेबल्स में आया. यहां पर भी क्या है, वीपीसी वन की जो रूट टेबल है, पब्लिक एक्सेस रूट टेबल, उसके अंदर आया रूट्स, एडिट रूट्स, एड 30.0.0.0/24. ये नेटवर्क कहां का है, सिंगापुर का है. किसके थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं, पेयरिंग कनेक्शन के, किस वाली के, मुंबई के. एंड से गॉट इट. सेम एज नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर पेयरिंग, किसके साथ, कनाडा के साथ. अगेन बैक टू द पेयरिंग कनेक्शन. यहां पे देखिए दोनों एक्टिव आ गए. क्रिएट अ पेयरिंग कनेक्शन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं गाइस, एम यू एम मुंबई हाइफन वीपीसी वन हाइफन टू हाइफन सी ए एन ए डी ए कनाडा वीपीसी फोर रिक्वेस्ट वीपीसी वन. And another reason, select Canada Central VPC ID. So select this is a VPC. Then root tables, then public roots, edit roots, add 40.0.0.0/24 via pairing connections, Mumbai VPC to Canada. Got it the point? And now save changes. Then come to the Canada locations. Click on pairing connection, accept the request. Then click on
root tables, then roots, edit roots, add 10.0.0/24 via pairing connections and save. So now guys, अब जाके ये मेरा नेटवर्क क्या हुआ, कनेक्टिविटी हुई है। अब आप अगर इनको भी करना चाहते हो तो इनके बीच में भी क्या करना पड़ेगा आपको, पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी। जो पेयरिंग आएगी इन दोनों की रूट टेबल के अंदर एड कर लो। क्लियर द पॉइंट। अब टेस्टिंग करते हैं। सो टेस्टिंग करते हैं, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइज, नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद Canada with EC2 instance. मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया था कल, याद हो तो, HR वाली मशीन पे। उसको हम कहां पे एक्सेस करते हैं, Canada। अगर कनेक्टिविटी है तो एक्सेस होगा और नहीं है तो नहीं होगा। चलिए नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस VPC4 कनेक्ट RDP, get password, upload a VPC4 key, decrypt, copy, download remote desktop connection, connect, paste, OK. तो मशीन एक्सेस हो रही है, यानी वीपीसी हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। Same as I'm just come to here, Singapore machines, instance state. अब आता है, गाइस सो नाउ आई एम जस्ट कम टू HR मशीन का जो फोल्डर है वो कनाडा लोकेशन पे है, तो कनाडा वाली मशीन पे आया, एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR एंड द पासवर्ड इज ASD @1234। और गाइस देखिए जो फोल्डर्स हमने कल बनाए थे वो भी यहाँ दिखेंगे और अभी कनाडा वाले फोल्डर्स भी यहाँ पे विजिबल आ गया है, क्लाउड डेटा। और ये मेरे इंडिया लोकेशन पर था। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ कनाडा डेटा, ये कनाडा वाली मशीन हो गई क्लोज। एक तो वेरीफाई हो गया। चलिए
अब इस वाली मशीन पे आते हैं, यहाँ पर ये 30 की है, और 30 वाला आईपी कहां पर चल रहा है हमारे सिंगापुर में, विंडो आर डबल स्लैश 10.0.0.24 क्या हुआ 10.0.0.24 ये देखिए, अभी ये पासवर्ड मांग रहे हैं AST@1234। अभी ये जो मशीन एक्सेस हो रही है ये पासवर्ड एड ऑन करने पे एक्सेस हो, यस और नो? न्यू OSI मॉडल्स पढ़े आप लोगों ने? पढ़ी है या नहीं पढ़ी? सिंगापुर पे बनाया, क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से विंडो आर करता हूँ, इंटर मारता हूँ, पासवर्ड नहीं पूछेगा, विदाउट पासवर्ड एक्सेस हो गया। दिस इज अ वर्क ऑफ सेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल, लॉजिकल सेशन बना रखा है। ये पासवर्ड कब पूछेगा? अगर आपकी मशीन रिस्टार्ट हो जाती है और तब तुम दोबारा एक्सेस करोगे तो पासवर्ड मांगेगा। अगर जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश है, रनिंग है दोनों सर्वर, तो ये पासवर्ड अब नहीं मांगेगा। दिस इज अ वर्क ऑफ सेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल, लॉजिकल सेशन को मेंटेन करके रख रहा है। क्लियर गाइस? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब सारे VPCs आपस में इंटरकनेक्टेड है, यस और नो? अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 मशीन्स हैं। इस इंफ्रा में 6 मशीन्स हैं। द ऑल 6 इज कनेक्टेड विद ईच अदर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक HR की मशीन को एक्सेस कर रहा हूं, आई एम लॉगिन विद HR मशीन, और इसी HR की मशीन के अंदर नाउ आई एम एक्सेस कौन सी वाली मशीन, टेस्ट रीजनल ऑफिस RO सिंगापुर कनाडा। सारी मशीन इसी मशीन के अंदर से जाके एक्सेस करूंगा वाया प्राइवेट आईपी, सब सारी मशीन एक्सेस विद इन क्लाउड। मुझे प्राइवेट आईपी ही चाहिए और प्राइवेट आईपी से मेरे कोई भी चार्जेस नहीं लगते। सो आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर जिस भी मशीन से एक्सेस करना है, नाउ आई एम जस्ट कम टू HRBM, मैं HRBM से पहले लॉग इन होता हूं, उसके अंदर से जाके आईडीपी लो। गॉट इट माय पॉइंट? सो क्लिक ऑन कनेक्ट, और ये तभी हो, उसके बाद मैं पेयरिंग डिलीट करूंगा तब आपको एक आउटपुट दिखाऊंगा। नाउ आई एम जस्ट कम टू RDP, गेट पासवर्ड, अपलोड WHM की, क्या हुआ, सॉरी इसका तो पासवर्ड ही चेंज कर रखा था ना, ASD@1234। सो मैंने पासवर्ड चेंज कर रखा है तो की पेयर काम नहीं करेगा। सो गाइस, अब मुझे जिस भी मशीन को एक्सेस करना है मुझे उसका प्राइवेट आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। सो नाउ आई जस्ट कम टू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। एंड सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूं टेस्ट को। सो VPC 1 तो HR थी, VPC 2 वाली टेस्ट मशीन है, इसका जो IP 20.0.0.99 है। नाउ कम टू 20.0.0.99 कनेक्ट। यूजर नेम क्या था, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। एंड नाउ पासवर्ड,
क्योंकि गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड पासवर्ड, सो पासवर्ड तो मुझे पहले जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने रिसेट नहीं करे इनके पासवर्ड। गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की, WHM, डिक्रिप्ट, कॉपी। मशीन के अंदर मशीन एक्सेस करोगे और आप चाहें तो इसके अंदर भी मशीन एक्सेस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कनेक्टिविटी किस टाइप की बनी हुई है। तो ये आपकी पहली मशीन एक्सेस हुई है जो कि कौन सी है, टेस्ट वाली मशीन। राइट क्लिक करके मैं एक फोल्डर बना देता हूं, TEST टेस्ट VM। तो ये मेरी कौन सी वर्चुअल मशीन है, टेस्ट VM है गाइस। और आप देख सकते हैं मशीन के अंदर मशीन है एक्सेस। क्लियर द पॉइंट, ये पहली मशीन एक्सेस हो गई, मेरे को पांचों मशीन एक्सेस करनी है। तो टेस्ट VM के बाद 20.0.0.99 पे आया हूं, तो और ये 10.0.0.24 वाली मैंने कर ली है। तो ये मेरी दूसरी वाली मशीन एक्सेस हो गई है, टेस्ट VM नहीं है, ये मेरी HO वाली VM है, कोई बता भी नहीं रहा है। ये मेरी हेड ऑफिस VM है, got it the point? तो 22 जो है 20 की सीरीज का जो IP है वो मेरे हेड ऑफिस के अंदर। चलिए इंस्टेंसेस पे आते हैं, तो HO हो गई, HRM लॉगिन है, ये मेरी टेस्ट VM है। नाउ क्लिक कनेक्ट, RDP, गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की, डिक्रिप्ट एंड कॉपी, और क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अगेन। और इसका IP जो है 10.0.0.133 है, ADMINISTRATOR, एंड द पासवर्ड एंड देन पेस्ट। और गाइस ये मेरी सेकंड मशीन एक्सेस हुई, ये वाली मेरी टेस्ट मशीन है। तो मिनिमाइज करके थोड़ा सा मुझे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है मशीन, और ये मेरी कौन सी मशीन आ गई, टेस्ट भी है। क्लियर द पॉइंट एवरीवन, यानी कि मैं एक ही जगह से बैठ के पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, सारी मशीन पे एक ही लोकेशन पे बैठ के क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। शायद इससे पहले तुम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी होंगी ऐसे मशीन, कोई नहीं अब करो, हम लोग इंडस्ट्री में तो हम तो बहुत करते हैं, हमारा काम ही यही है एक जगह बैठे बैठे, क्योंकि सर्वर रूम में जाते हैं तो वहां पे स्क्रीन नहीं लगी रहती, मॉनिटर नहीं होते, एक ही मॉनिटर मिलता है, तो सारे सर्वर्स को हम इसी तरीके से उसी सिंगल मॉनिटर पर ही एक्सेस करते हैं थ्रू आर RDP। नाउ सो ये तो हो गई हमारी, अब इसकी मैं RO वाली नहीं कर रहा हूं, एक VPC की एक ही मशीन कर रहा हूं, सेम है दूसरी भी हो जाएगी। मैं आता हूं सीधा, ये है मेरी सिंगापुर वाली मशीन जिसका प्राइवेट IP क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो प्राइवेट IP है 30.0.0.238। नाउ सर्च रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ADMINISTRATOR and paste, then okay। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि गेटवे एड्रेस क्या होता है, यस और नो? कल एक क्वेश्चन पूछा था ना कि गेटवे एड्रेस क्या होता है, पूछा था, याद है या नहीं याद? सिंगापुर,
उसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा, गेटवे का यूज क्या है एक्चुअली में। नाउ आई एम जस्ट कम टू कनाडा लोकेशन एंड कनाडा लोकेशन मशीन का भी आईपी देख लेते हैं हम गाइस, क्या है हमारा 40.0.29। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आपकी कनेक्टिविटी परफेक्ट है तभी ये एक्सेस होंगी, प्रॉपर सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर प्रोटोकॉल अलाउड है तो ही एक्सेस होंगी, अदरवाइज एक्सेस नहीं होंगी। अब हम टेस्ट करते हैं पेयरिंग कनेक्शन। यहां पर मैं जिस पेयरिंग कनेक्शन को डिलीट करूंगा उस पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू जो मशीन एक्सेस हो रही होगी वो यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो गाइस आई एम जस्ट कम बैक टू पेयरिंग कनेक्शन, मैं दोबारा से पेयरिंग कनेक्शन पे जा रहा हूं और सबसे पहले मैं पेयरिंग कनेक्शन डिलीट कर रहा हूं कनाडा वाले। सो नाउ आई एम जस्ट डिलीट द पेयरिंग कनेक्शन क्योंकि चार्जेबल सर्विस तो है ही, ये मुंबई टू कनाडा एक्शन एंड डिलीट पेयरिंग कनेक्शन। जैसे मैंने ये पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करा तो अब आप देखिए कि ये कनाडा वाली मशीन से यहां से डिस्कनेक्ट हो रही है क्योंकि दिस मशीन एक्सेस थ्रू अ पेयरिंग गेटवे। ये इसलिए बता रहा हूं क्रॉस चेक। तो जैसे मेरा पेयरिंग कनेक्शन 100% वहां से डिलीट होगा यहां से मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हो गई क्लियर? नाउ आई एम जस्ट डिलीट द पेयरिंग कनेक्शन मुंबई टू सिंगापुर। क्लियर एवरीवन? आशीष, चंदन, गुड्डे, राफत, सत्यम। नाउ अब कौन सी मशीन जाएगी? चलिए गॉट इट। नाउ वन मोर पेयरिंग कनेक्शन बीपीजी 1-2, ये सेम रीजन के अंदर है। मैं इस पेयरिंग कनेक्शन को भी डिलीट करता हूं। बट अब आप देखिए टेस्ट वाली आपकी बंद नहीं होगी बिकॉज द टेस्ट वाली जो है वो किसी पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं हो रही है, वो लोकल जो गेटवे आईपी रिजर्व है ना उसके थ्रू एक्सेस हो और वो सेम वीपीसी पर ही है और सेम वीपीसी के लिए कभी भी हम पेयरिंग का यूज नहीं करते, वो अपना जो लोकल गेटवे आईपी रिजर्व करता है ना उसके थ्रू एक्सेस। Got it everyone? Guys, clear है? Thank you. Now, उसके बाद आपको पता ही है। Now I'm just come to again back to EC2 and terminate क्योंकि cloud पर है तो terminate तो करनी पड़ेंगी सारी चीजें वरना क्या होगा, शॉपिंग हो जानी है अननेसेसरी।
जब तक आपकी चीजें अटैच रहेंगी, जब तक ये डिलीट नहीं होगी। इलास्टिक आईपी कभी भी अपने आप डिलीट नहीं होता, मैनुअली जाकर वहां पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, डी एसोसिएट देन रिलीज का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे डिलीट का ऑप्शन मत ढूंढना। दिखा भी देता हूं आप लोगों को, नाउ आई जस्ट कम टू हियर और मेरे पास यहाँ पे चार मशीन हैं, सिलेक्ट इंस्टेंट स्टेट एंड टर्मिनेट। मैंने चारों मशीन को टर्मिनेट करा, टर्मिनेट होने के बाद ऑटोमेटिकली जो इलास्टिक आईपी है वो आपका अनमाउंट हो जाएगा, क्लियर। और आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है और रिलीज कर देना। कैन नॉट बी रिलीज विद द एसोसिएट आईडी क्योंकि अभी तक मेरी मशीन प्रॉपर सेटिंग डाउन नहीं हुई है, तो रिलीज नहीं होगा। सेम है यहां पर भी, मैंने क्या लिया और बीपीसी पेयरिंग वगैरह बनी हुई है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ईसी टू। और यहां पर भी देखिए एक इलास्टिक आईपी मेरे पास शो हो रहा है जो मैंने लिया ही था आज। रिलीज, और अब ये रिलीज हो गया, यहां देखिए कोई एरर आपको नहीं दिया। देन बीपीसी अगर आपको डिलीट करना है गाइस, क्लिक ऑन बीपीसी, बीपीसी थ्री एक्शन। तो बीपीसी के लिए जरूरी नहीं है कि आप रूट टेबल वगैरह वगैरह डिलीट करो, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये सारी चीज अपने आप एक साथ ही डिलीट हो, लेकिन अगर पेयरिंग कनेक्शन अटैच्ड है तो वो डिलीट नहीं होगा। तो पहले पेयरिंग डिलीट करनी पड़ेगी, देन आपका बीपीसी होगा डिलीट। सेम एज आई एम कम टू हियर, यहां पर भी मेरे दो बीपीसी बने हुए हैं एंड बीपीसी फोर एक्शन डिलीट। और पेयरिंग कनेक्शन आप एक तरफ से डिलीट करो, दूसरी तरफ से अपने आप डिलीट हो जाएगा। नाउ कम टू हियर एंड अभी रिलीज नहीं हो रहा था और अब मैं ट्राई करता हूं। अरे भाई कितना टाइम लेगा, एंड नाउ क्लिक ऑन वीपीसी और वीपीसी वन और टू दो मैंने यहाँ पे बना रखे थे, दोनों डिलीट कर रहा हूं। यानी कि लैब करने के बाद आपको सारी चीजें डिलीट भी करनी है, तो तसल्ली से बैठ के लैब करें क्योंकि अभी वीपीसी खत्म नहीं हुआ है, अभी अगले दो से तीन क्लासेस और हमारे वीपीसी में जाना है। तो कल का जो वीपीसी का टॉपिक होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा, यानी कि उसका जो सिनेरियो होता है वो कंडीशंस पे होगा और उसके अंदर हम काफी सारी कंडीशंस एड ऑन करेंगे। वो सारी चीजों के लिए इतनी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। नाउ अभी मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें पढ़ाई है, हाउ टू व्हाट इज वीपीसी, हाउ टू क्रिएट वीपीसी एंड हाउ टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीपीसी, मे बी इट्स अवेलेबल इन सेम रीजन और ऑन डिफरेंट रीजन, बट कल की कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग होगी, वो कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग होगी। थैंक यू गाइस, सो आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे, कंटिन्यू।